वेलकम टू केरला किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल एंड उतना ही टेस्टी एक चिकन फ्राई। ये बहुत टेस्टी होने के साथ साथ बनाने में टाइम बहुत ही कम लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मुट्ठी भर लहसुन और एक बड़ा सा अदरक का पीस, दो तीन हरी मिर्च, ये तीनों को एक मिक्सी के जार में कूटना है। कूटना बोले तो पानी नहीं डालना, ऐसे कूटना है। और लहसुन की छिलका बिल्कुल नहीं उतारना, छिलके सहित इसको कूटना है। अभी इसको मैंने कूट लिया है। ये लगभग 1.5 किलो चिकन पीसेस है। इसको मैंने अच्छी तरह धो करके साफ करके रखा है। इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो मिक्स हमने बना कर रखा है वो डाल देते हैं। उसके बाद एक चम्मच हल्दी, दो तीन चम्मच कश्मीरी चिल्ली पाउडर। उसमें क्या है, कलर भी थोड़ा आ जाएगा और ज़्यादा तीखा भी नहीं होगा। एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच पेपर पाउडर और भुना हुआ जीरा एक चम्मच और चिकन कबाब मसाला आता है वो दो तीन चम्मच डाल देना है। चिकन कबाब मसाला या चिकन 65 मसाला ऐसा करके मिल जाएगा, कोई भी ब्रांड में मिल जाएगा, उसको तीन चम्मच डालना है। और नमक तो अंदाज़ा अपने अंदाज़ा से डाल दो। मैंने यहाँ दो तीन चम्मच डाल दिया, बाकी बाद में देख लेते हैं। और एक नींबू का रस, उसका भी हम इसमें निचोड़ के डालेंगे। अब सारे मसाले डाल दिए हैं, इसको हम मैरिनेट करते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर, सारे मसालों के साथ मिक्स करने के बाद इसको कुछ समय के लिए रखना है। फ्रिज में रखो या बाहर रखो, लेकिन कुछ समय के लिए रख दो। अभी मैंने एक पैन रख दिया, पैन अच्छी तरह गर्म हो गया। इसमें 4-5 चम्मच लगभग मैंने नारियल के तेल डाल दिया, क्योंकि हम लोग नारियल के तेल ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाने में। केरला वाले तो है, नारियल के तेल पसंद करते हैं, तो आप कोई भी तेल चूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया, भी चिकन पीसेस एक एक करके इसमें फ्राई करके निकालना है। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको फ्राई होना है। चिकन का एक तरफ तो पक चुका है, फ्राई हो चुका है। सारे पीसेस को पलट के दूसरे तरफ भी फ्राई होना है। अभी ये पूरा फ्राई हो चुका है, अब इसको निकाल देते हैं और इसी तरह बाकी का पीसेस भी फ्राई करना है। और कुछ नहीं, बस बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाएगा और टेस्टी भी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कर लेना एक बार, बहुत आसान है।
ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भूलना नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।